हे गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरिका फर्नांडिस के बारे में। आपको पता होगा एरिका फर्नांडिस को लेकर जब से उन्होंने सोनाक्षी के कैरेक्टर को क्विट किया था तब से लगातार उनको लेकर खबर सामने आ रही थी कि एरिका फर्नांडिस एक बार फिर से नजर आने वाली हैं एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए। यही वजह है कि उन्होंने अपने इस पॉपुलर कैरेक्टर को क्विट करने का सोचा है। लेकिन फाइनली जैसा आप जानते होंगे अभी तक नजर नहीं आई हैं एरिका फर्नांडिस, और ऐसे में फैंस की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है। लोग जानना चाहते हैं आखिर एरिका फर्नांडिस किस तरह से कहाँ काम कर रही हैं, आखिर कर क्या रही हैं अपनी लाइफ में, जो कि अभी तक वो कहीं भी नज़र नहीं आई हैं। तो आपको बता दें एरिका फर्नांडिस की अगर हम बात करें तो वो अपने न्यू प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम करती रहती हैं। कई सारे शूट्स हैं, कई सारे ऐड की शूटिंग के लिए वो बिज़ी रहती हैं, जिस वजह से वो ये कोई भी अभी तक शो साइन नहीं उन्होंने किया है। वहीं बात करें अगर शो के ऑफ़र्स की तो डेफ़िनेटली उनके पास कई सारे शोज़ के ऑफ़र जा रहे हैं, लेकिन अभी तक क्यों नज़र नहीं आई हैं, तो वो वजह सिर्फ यही है कि वो एक दमदार कैरेक्टर प्ले करना चाहती हैं, ना कि एक सीधी साधी बहू का। यही वजह है कि सोनाक्षी का कैरेक्टर उन्होंने क्विट किया था, क्योंकि पहले की तरह स्ट्रांग सोनाक्षी नहीं दिखाई जा रही थी सीजन 3 में। आपको बता दें शरद मल्होत्रा के अपोजिट एरिका फर्नांडिस को कास्ट किया जा रहा है, कुछ इस तरह से खबर निकल कर सामने आ रही थी। सो अभी तक वो शरद मल्होत्रा के अपोजिट कहीं नज़र आई नहीं है। सो ऐसे में फैंस एक्साइटेड हैं, देखना चाहते हैं शरद के अपोजिट उनको, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहली बार ये जोड़ी साथ में नज़र आएगी टीवी पर्दे पर। सो किस तरीके से नज़र आने वाली है, कोई डेली शो होगा या फिर कोई म्यूज़िक एल्बम होगा, चांसेस ज़्यादा हैं म्यूज़िक एल्बम के। सो जिस तरीके से भी सामने आए, बस ये एरिका फर्नांडिस नज़र आनी चाहिए, फैंस की डिमांड यही है। कमेंट करके आप अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर से बताइएगा। बात करें अगर कुछ रंग प्यार के ऐसे भी शो के बारे में, तो जो सीज़न 1 सीज़न 2 जो रहे सुपर डुपर हिट रहा है, सीज़न 3 की अगर बात करें तो वहाँ पर कहानी कुछ अलग ही मोड़ ले रही थी, और जिस वजह से फैंस को भी वो कहानी रास नहीं आई और सीज़न 3 इतना अच्छा गेन नहीं कर पाया टीआरपी में। यही वजह रही कि सीज़न 3 जल्दी ऑफर चला गया, लेकिन सीज़न 4 की डिमांड लगातार जारी है। देखते हैं कि एरिका फर्नांडिस कहाँ पर एंट्री करती हैं। सो कमेंट करके ज़रूर बताना अपनी एक्साइटमेंट। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।